हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि इंडियन एम्बेसीज के कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और वो कैसे काम करता है और आपको क्या बेनिफिट होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इंडियन एम्बेसीज को मेल कहाँ पे करना होता है, कौन सी ईमेल आईडीज पे मेल करना होता है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला, तो आप एक बार चेक कर जरूर कीजिएगा। आपको आपको आसानी हो कि मेल्स कहाँ पे सेंड करना होता है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट आई कैन क्रिएट अ मोर वीडियो लाइक दिस। एंड सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंडियन एम्बेसीज का आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको बाहर ढूंढने के लिए इंडियन एम्बेसीज को मेल करो, वहाँ से डेटा मिलता है, विच इज़ ट्रू। बट आप एक समझना, आप किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। सपोज करो एक इंस्टीट्यूट में एक बैच में 50 बच्चा बैठता है, ठीक, महीने के 4 बैच के, तो एक इंस्टीट्यूट 200 स्टूडेंट्स को सिखाता है। पूरे इंडिया में कितने लोग हो गए, कितने इंस्टीट्यूट्स हो गए? तो आप सोचो कि अगर एक पर्सन, सपोज आपके प्रोडक्ट या फ्रॉम अपेडा है ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से, तो आपका अपेडा का है या तो सी फूड का है या तो कोई भी हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया, केमिकल हो गया, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, तो आप मेल करते हो इंडियन एम्बेसीज को कि वी आर लुकिंग फॉर बायर्स फॉर दिस दिस प्रोडक्ट और आप हमको डेटा दो। तो इंडियन एम्बेसी आपको स्पेशली कुछ ऐसा देने वाला नहीं है, जो एक डेटा है वो एज इट इज आपको सारा फॉरवर्ड करता है। तो आप सोचो कि एक डेटा आपके जैसे मेरे जैसे सबको मिल रहा है, तो बाहर किस किस को रिस्पॉन्स करेगा? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आप खुद सोचो कि सपोज यू आर ए इम्पोर्टर और आपका आपको रोज के 100-200 मेल आ रहे हैं, आप किस किस का खोल के देखोगे ईमेल आईडी? तो सिमिलरली बायर के साथ होता है। आप बोलते हो कि इंडियन एम्बेसी के डेटा से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि आप मेल कर रहे हो, आपके जैसे 100 लोग ऑलरेडी मेल कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो किस किस को रिस्पॉन्स देगा? तो इसका प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हो आप? क्या आप वहाँ से सिर्फ डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और जब भी आपको पर्सनल विजिट करना है तो आपको गूगल पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि हु इज द इम्पोर्टर। आप इस केस में क्या कर सकते हो, यू कैन गिव अ डायरेक्ट कॉल कर सकते हो उनको रैदर देन मेल, क्योंकि मेल तो बहुत लोग करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल कॉल करोगे फोन के हिसाब से, उसमें भी बहुत सस्ते पैकेजेस आते हैं, बहुत सस्ते ऑनलाइन पैकेजेस भी है। और आजकल है ना, कॉल्स के जितने भी, ये जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, इनके सबके पैकेजेस इतने सस्ते हैं, वो बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। बट इसके अलावा फ्री में भी कॉल्स होती है, कुछ सब्सक्रिप्शंस ऐसे भी हैं, और सब्सक्रिप्शंस के अलावा फ्री में कॉल्स भी होती है यूएस और कनाडा में। तो इसके आपको ये देखना है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है उससे, उनको जब भी आप वहाँ पे पर्सनल विजिट करोगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, तो उनको मेल करो, कॉल करो कि दैट वी आर कमिंग टू योर कंट्री और आपको आपसे मिलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योर अवर प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ बुला के आपको क्या करना है, मतलब कहने की बात यह है कि आप मेल्स करो, नो डाउट, बट मेल आने की चांसेस बहुत कम है। आप उनको डायरेक्ट ये कह सकते हो कि मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, तो मिलने के लिए जब भी विजिट करोगे तो वो डेटा आपका काम आता है। अगर वो नहीं कर सकते सो यू कैन हायर एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके ऑन योर बिहाफ वहाँ के जाके रिप्रेजेंट करेगा आपकी कंपनी को। आपको यहाँ से मेल करना है, आपके विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, कंपनी की डिटेल्स करना है, एक छोटा नॉमिनल से अमाउंट पे आपके बिहाफ पे वो पर्सन वहाँ पे पूरा विजिट करके आता है। सो आई होप आपको इंडियन एम्बेसी का थोड़ा समझ आया होगा कि आपको सिर्फ डेटा लेना है और उनको पर्सनल कॉल करना है रैदर देन सेंडिंग मेल्स, क्योंकि आपको मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। सो आई होप, और अगर किसी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में जानना है तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा मोनोपोली ये है कि हाउ टू फाइंड बायर्स, तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता हूँ अपना, कि रैदर देन बाकी के टॉपिक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।